ठीक है आपका ठीक है आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया हां जी प्लीज पूछिए हेलो हेलो आवाज आ रही है सर यस 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 हाँ आ, मैं ये पूछ रही थी कि आ, जैसे एक नॉर्मल इंसान अपना शरीर छोड़ता है तो उनके लास्ट राइट्स होते हैं उनको अग्नि दी जाती है एट द सेम टाइम जब अगर कोई सेल्फ रियलाइज सोल अपना शरीर छोड़ती है तो उनकी समाधि होती है तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है इसीलिए उनकी समाधि होती है बट उसमें बेसिक डिफरेंस ये जो है कि उनको वो नहीं किया जाता है जो एक नॉर्मल इंसान को किया जाता है वो डिफरेंस क्या है मतलब वो क्या डिफरेंशिएट करता है अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बहुत सारे योगी इतने बड़े-बड़े खास तौर से भारतवर्ष में आप हिमालय में जाओ आप इधर जाओ गुफाओं में जाओ इतने योगी होंगे वो किसी के सामने भी नहीं आते उनको किसको पताते भी नहीं है कि हमारी अवस्था कहां तक है आखिरी जन्म में जीरे होते हैं वो वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो अज्ञानता वर्ष लोग उनको जला देते हैं मगर उससे नुकसान होता है मतलब हम लोगों का ही नुकसान है जो इस भूलोक में रहते हैं क्यों जिसने अपने शरीर को शरीर में रहते रहते तुरिया के बाद सारे अपने अंदर की सारी नाड़ियों को खोल के वो जो प्रकाश का सबसे ऊपर की वो जो चेतना की अवस्था होती है जो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी है उस प्रकाश से ऊपर का कोई प्रकाश ही नहीं है वहां तक वो अपने आप को ले गया मोक्ष तक परम ब्रह्म तक अपने सोर्स तक तभी मैंने कहा था ना साक्षात्कार आखिरी जन्म में जस्ट मोक्ष से जस्ट पहले साक्षात्कार होता है और वो जिंदगी में पूरी पूरी लाइफ में पूरी यात्रा में एक बार होता है आखिरी जन्म में साक्षात्कार और वो साक्षात्कार इतना प्रकाश में होता है कि एक आम इंसान उसको देख भी लेगा प्रकाश को पागल हो जाएगा तो उस लेवल तक वो इस शरीर में रहते रहते अपने आप को लेके गए हैं तो सोचो उस शरीर की क्या वैल्यू होगी वो शरीर पंचभूत का तो है मगर वो पंचभूत का होते हुए भी सोना है वो मतलब ऐसे योगी जब अपना शरीर छोड़ते हैं अगर उनको जला दिया वो तो अलग बात है मगर अगर उनकी समाधि बना रखी है वो चाहे कहीं भी हो वो वो कहे ऊपर के लोगों में किसी की सहायता कर रहे हो स्वामी युक्तेश्वर की तरह या वो परा प्रकृति में जाके उस ओशन में मर्ज हो चुके हों वो जो तार होता है वो समाधि से उनका जुड़ा रहता है वो ईथर जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है इतना पावरफुल होता है कि आप वहां जाके ही आपके अंतकरण चेंज हो जाएगा आप वहां जाके अगर उनसे ब्लेसिंग्स मांगेंगे वो आपको ब्लेसिंग्स वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी अवस्था आपकी है जैसे मैं मैंने बताया था ना प्रार्थना हर किसी की नहीं सुनी जाती आपकी प्रार्थना आपके स्थूल शरीर तक ही रह गई क्या वो अंदर सूक्ष्म तक तीर घुसा क्या वो कारण जगत तक तीर घुसा हुआ आपके ऊपर है आपकी अवस्था क्या है मतलब एक नदी के अंदर आपने एक छोटा कंकड़ डाला उसका एक छोटा सा सर्कल होता है वर्लपूल बनता है एक बड़ा पत्थर डाला उसका एक बड़ा वर्लपूल बनेगा एक डाली उसका एक बड़ा वर्लपूल बनेगा तो वो प्रार्थना आपने करी वो कहां तक आपकी प्रार्थना भेद रही है अगर वो प्रार्थना आपकी इतनी अंदर तक मिनिमम मिनिमम मैं कह रहा हूँ कारण जगत जाओ सूक्ष्म जगत तक सूक्ष्म जगत तक ही जा रही है आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो आपकी वो सुन पाएंगे इसलिए मैंने एक पहले वीडियो में बताया था ना, जैसे पहले हमारी माइथोलॉजिकल और सारी सीरीज होती थी हालांकि माइथोलॉजी मुझे वर्ड नहीं उस, यूज करना चाहिए क्योंकि वो सच है सारी चीजें तो जैसे प्रहलाद थे अब वो नीचे पूजा कर रहे हैं या कोई ऐसी सीरियल्स आती थी जिसमें कोई भक्त हो नीचे भूलोक पे छोटा सा बच्चा वो प्रार्थना कर रहा है अब ऊपर पार्वती जी बोल रही हैं लक्ष्मी जी बोल रही हैं अपने विष्णु को या शिव को देखो 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 कोई आपको भूलोक पे याद कर रहा है आपका आपका भक्त वो नीचे देखते थे वो कैसे वो तरंगे वहां तक जा रही होती थी एक आम इंसान है वो प्रार्थना करेगा उसकी तरंगे नहीं जाएंगी वो स्थूल इस भूल कोई पार नहीं कर पाएंगे तो वो आपके ऊपर है लेकिन अब आप इसी महासमाधि के स्थल पे जाते हैं आप प्रार्थना करेंगे इंटेंसिटी से करेंगे आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेंगे तो क्यों नहीं जलाया जाता वो हमारे ऊपर है अगर हम उनको जला भी देंगे वो खाक हो जाएंगे खत्म हो जाएगा वो लेकिन हम उनको नहीं जलाते उनको प्रिजर्व करके रखते हैं बिकॉज वो जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है ठीक है इसलिए जो दरगाहें होती हैं सूफी संतों की भी होती हैं या ग्रेव्स होती हैं बड़े बड़े जो प्रिस्ट हुए हैं कैथोलिक प्रिस्ट और हमारे जो संतों का समाधि स्थल है बहुत ही शक्तिशाली होती है मुझे ठीक है ठीक है सरूप जी प्लीज पूछिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे नमस्ते सर मेरा मैं कोशिश करता तो, हूँ मेरा तो हिंदी उतना अच्छा नहीं है फिर भी बहुत अच्छा हिंदी है आपका uh, मेरा अच्छा सवाल ये था कि uh, जैसे आपने बताया कि अगर कोई पहले मनुष्य जन्म हुआ है अगर बहुत बुरा कर्म किया तो भी जाके उसको दूसरे वाला जूनी मिल सकता लेकिन मनुष्य तो सबसे बाद में आया है पहले पेड़ पौधे आए फिर कीड़े मकोड़े फिर यू नो रेपी एंड देन तो फिर लास्ट में आया ह्यूम तो वो कैसे हुआ मतलब आप अगर ये एवोल्यूशन कैसे उल्टा कैसे चल पड़ा यही से जुड़ा हुआ मेरा एकदम मीशा लेवल पे ये सवाल आता है कि जो आपने एकदम शुरू में बताया था जो आपका जो मेडिटेशन का सीरीज है कि एकदम शुरू में क्या होता है कि जब पर तो हम, एकदम ऊपर लेवल पर रहता है हमारा so, जो जो सो मोक्ष का अवस्था है वहीं पे रहता है दैट इज और सहस्त्र में होता है फिर बाद में अहंकार बढ़ता है और फिर हमारा पतन होता है तब जाके आपका चित्त बनता है करम शरीर और फिर आपका म बनता है फिर आप नीचे करते हो तो यहीं पे भी वो एक ट्रिविया आ जाता है कि अगर कर्म नहीं है आपका तो आपका करम शरीर द्वारा कुछ ही नहीं सकता मतलब आपका शरीर आप आप सिर्फ तब वो हो सके मतलब मोक्ष वहां पे रहते हो कर्म है तभी आपका कोई बॉडी बन सकता है तो फिर चित्त बनने के लिए कारण वो होना चाहिए लेकिन कारण मतलब अगर चित्त नहीं है तो आपका वो नहीं हो सकता है ना कर्म कहाँ पेगा चित्त पे होता है लेकिन पहला आप कर्म नहीं किया तो चित्त कैसे बन गए है मतलब आप मैं शायद ठीक से मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ मेरा जो कि आज का इससे वो जुड़ा हुआ है ये सवाल मेरे बहुत पहले से ही था लेकिन आज इससे वो जुड़ गए तो मैं पूछ लिया आपको ठीक है अच्छा ये, ये एक था और दूसरा ये था कि आप जो बार बार बोले हो वूलॉक वूलॉक ये भूलोक क्या है कि सिर्फ पृथ्वी है कि जो भी पूरा जो फिजिकल वर्ल्ड है जो कि पूरा यूनिवर्स है जो की, है, जो की ये वो लोग जो है वो केवल अर्थ की बात नहीं है सारा फिजिकल वर्ल्ड की बात है यूनिवर्स जो भी है आप दूसरे स्टार सिस्टम भी बोल सकते हो सोलर सिस्टम गैलेक्सी स्टार सिस्टम से बोल सकते हो इट इज एज लॉन्ग एज इट्स फिजिकल वो मैं उसको भूलोक के उसमें डाल रहा हूँ अच्छा। और, ये और, बोलते अच्छा, हैं और भी है और भी क्वेश्चन है <laughs> ये सब रिलेटेड ही है जैसे कि हम आ, अगर साधना करते हैं तो अगर साधना करते करते पूरा जन्म हमने साधना पे बिताया फिर जब मैं मर जाऊंगा मतलब हम कोई भी मर जाएंगे मैंने नहीं अभी मरने वाला बट जब हम बाद में मरेंगे तो जहां पे हम खत्म करते हैं अगला जन्म वहीं से चल होता है मतलब वहां तक हम फट से चला जाता है फिर वहां से आगे का होता है इतना आगे बढ़ के मान लो की रेस में आपने ट्वेंटी मीटर तक आप दौड़ दौड़ लिए पिछले जन्म में दौड़ उससे पिछले जन्म में अब आप जब पैदा होगे अगले जन्म में स्टार्ट तो जीरो से ही करोगे अगर जीरो से ट्वेंटी तक आप पहले एफर्ट दे चुके हो तो एकदम से आप पहुंच जाओगे जीरो से ट्वेंटी तक विदाउट एनी एफर्ट तो तो वो कैसे ट्रैक हो रहा है ये भी क्या करण शरीर के थ्रू ट्रैक होता है जैसे हमारे कर्म ट्रैक होता है ये और लास्ट ये जो अपने कि बैड है, जो वो तामसिक का ही है हमारे बंगाल में मैं, Bengal, like, उनका कुंडलिनी का क्या है उनका भी मतलब वो भी तो साधना ही है ना एक तरीके से तो आर्ट दे नॉट लाइक उनका भी कुंडलिनी जागृत तो ही हुआ है तो अदरवाइज पावर कैसे आ सकते हैं उनकी किसी के ऊपर वो हावी जाए तो फिर कैसे भी हो कोई भी काम कर रहे लेकिन उनका भी तो कुंडली नहीं है ना तो वो मोक्ष के रा, रास्ते पे ही चल रहे तो हैं है। ऐसा, ऐसा है? मतलब, करके, करके, में जाके डेड बॉडी के साथ ये वो छेड़छा करके पावर ले लेते हैं तो क्या वो फास्ट तरीका है करने का मैं मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ बट पूछ रहा हूँ यही है मैं अब कुछ मैं लिख नहीं पाया कुछ क्वेश्चन में आपके एक तो क्वेश्चन हो गया कि भूलोक का मतलब सारी क्रिएशन उसमें है फिजिकल वाली तीसरी लास्ट क्वेश्चन आपको मुझे याद है इसलिए मैं वो बात पहले कर लेता हूं अगर आप असुरों को भी देखो राक्षसों को भी देखो अपनी पुरानी स्टोरीज में वो देवताओं से लड़ते थे कभी कभी वो देवताओं को कुछ छल या कुछ करना पड़ता था उनको हराने के लिए वरना वो देवताओं को भी हरा देते कभी कभी शक्तिशाली तो हैं है और वो देवताओं से जो उनकी वो होता था वो सब होता था वो सब स्वर्ग लोग वो जो एक लेवल ऊपर है उस, उससे होता था वो सारी चीजें अब ये सारी जो तामसिक शक्तियां भी हैं एक लेवल तक स्पिरिचुअली वर्ल्ड है मैंने आपको बताया हमेशा बताया था जब भी हमारी ऊपर की उन्नति चलती है एक मिनिमम अवस्था आने तक हमें सिद्धियां मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं मगर आपको उन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना दीज आर लाइक लैंड माइंस आप वो में फंस के रह जाओगे आप अपने आप को भगवान समझने लग जाओगे और जो आपका पतन शुरू होगा उसके बाद और वो कंठ विशुद्धि चक्र के ऊपर मिलनी शुरू हो जाती है सिद्धियां समझ गए बात सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है कहीं पर आप मतलब तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा जो उस सिद्धियों के चक्कर में पड़ता है कुछ ऐसे तामसिक है, जो तांत्रिक और कुछ होते हैं उनका गोल ही मोक्ष नहीं होता उनका गोल है उन सिद्धियों को पाना कुछ ऐसे शिव की पूजा करते हैं अलग तरीके से उनका गोल होता है मृत्यु के ऊपर विजय पाना जस्ट दैट तो वो अलग अलग हैं मतलब जैसे रावण ने करी थी जैसे साधना करी थी शिव की ग्रेट स्कॉलर ऑल्सो तो अब अपरा प्रकृति में प्लस माइनस दोनों है तभी तो द्वंद है ईड़ा पिंगला प्लस माइनस चार्ज हमारी बॉडी में भी चल रहा है रहे हम श्वास लेते हैं तो दोनों है रात दिन सुख दुख दोनों होगा तो उसमें असुर भी होंगे उनको एक टेरिटरी अपनी दे रखी है अपरा प्रकृति के अंदर और मैं कह रहा हूं अपरा प्रकृति वास्तव में है ही नहीं इट्स एन इल्यूजन तो जो वास्तव में ज्ञानी पुरुष होता है वो उसको उसके लिए अपरा प्रकृति है पूरे चौदह लोग इल्यूजन है माया है मगर वो असुरों ने उन सिद्धियों के चक्कर में पड़ के या एक दूसरे गोल में या एक वो नेगेटिव तरीके से उन्होंने चैनलाइज कर दिया वो वहां पे लिमिट होके रह गई उनकी ग्रोथ अब वो उसके ऊपर नहीं पहुँच सकती अगर उनको बोलो महर लोक पे किसी को छेड़छाड़ करके दिखाएं या जन लोक में या लोक में उनकी औकात नहीं है मगर सांसारिक लोग उनसे नीचे हैं इनके साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं अपने मिनियंस के थ्रू जो फिजिकल वर्ल्ड में उनके कुछ लोग हैं तो वो है तो उनका वो उस लेवल पे पहुंच गए उस डायरेक्शन में चले गए कि उन्होंने अपना खुद का आगे का मोक्ष का मार्ग ब्लॉक कर रखा है खुद अगर वो उस प्रकाश को एक्सेप्ट करके उस लाइट के डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे उनके लिए भी मोक्ष का रास्ता खुला हुआ है जैसे आपने बताया वो कुंडली नहीं, वो सब हर किसी के अंदर है जो इस अपरा प्रकृति में आए सबके अंदर है ठीक है तो ये तो एक क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन का आंसर आपका एक क्वेश्चन था आपका हाँ, के ऊपर हाँ, और एक था कि जो हम साधना करते वो हंड्रेड मीटर से ट्वेंटी मीटर तक कर गए हैं वो ट्रैक कहां पे होता है कारण शरीर पे होता है कर्म के साथ की अलग कैसे होता है ओके अब जो मैंने बताया कि आप हंड्रेड मीटर की आपकी रेस थी जीरो से मोक्ष तक मान लो फॉर एग्जाम्पल अब आपने थर्टी मीटर तक आप भाग चुके हो आपकी साधना उतनी है आपका योग उतना है मान लो फॉर एग्जाम्पल थर्टी मीटर का क्या मतलब हुआ ट्वेंटी मीटर का क्या मतलब मान लो आपका मणिपूरक चक्र तक खुला हुआ था फॉर एग्जाम्पल इस पूरे जर्नी में अब आपकी वो जो गति जो शरीर जो छूट के ऊपर की गति होगी वो उस एबिलिटी के हिसाब से होगी आपको कुछ कम नहीं मिलेगा उससे या ज्यादा नहीं मिलेगा उसके हिसाब से होगा उसके हिसाब से जो आपका अगला जन्म होगा राइट उसके हिसाब से जो भी आपका अगला जन्म होगा आपके वो जो कर्म संचित कर्म थे पुराने उसमें आपने आगामी कर्म भी अपने जोड़े संचित कर्म में जो मैं कह रहा हूं आप इस जीवन में जो 20-25% परसेंट फ्रीविल के कर्म करते हो, वो भी उसमें संचित कर्म में तो ऐड हो रहा है टैंक में

ऐसा प्रकृति का ये बहुत आपने डीप क्वेश्चन पूछा और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसमें मैंने भी कभी सोचा नहीं था मैं आपको बताऊं पर आपने बहुत अच्छा है सबके लिए अच्छा है लाभदायक है ये क्वेश्चन वो क्यों कृष्ण ने ऐसे अर्जुन को बोला कि वो बहुत एक रहस्यमय है वो गुड़ रहस्य है वो भाई वो जो प्रारब्ध संचित से ऊपर आए हो सकता है एक कर्म सौ जन पुराना हो गई एक जन्म पिछले जन्म का हो एक जन्म दस जन्म पुराना हो उसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन है जो आप लेके आए हो जो आप अगले जन्म में आपको मिलेगा तो कौन से कर्म ऊपर आके प्रार्भ बने संचित में से और कौन से नहीं बने वो नहीं। ये प्रकृति हिसाब से, से व्यवस्था होती है कि जितनी अब आपकी उस योगी ने थर्टी मीटर दौड़ लिया अब प्रकृति अगर ऐसा कर दे कि उसके संचित कर्मों में से जो गलत गलत उसके तमोगुण या बुरे वाले कर्म है वो ही सारे ऊपर आ जाए अगले जन्म के लिए तो वो तो उसके लिए बहुत नाइंसाफी है वो तो फिर अगले जन्म में जब पैदा होके जीरो से स्टार्ट करेगा वो दौड़ेगा ही नहीं थर्टी तक भी नहीं दौड़ेगा वो अगर ऐसे परिवार में उसका जन्म हो गया ऐसी परिस्थितियों में उसका जन्म हो गया नहीं उसका जन्म उसी परिवार में होगा उसी परिस्थितियों में होगा जहां से वही वही उसको सब आध्यात्मिकता की नॉलेज मिले वही सब बुक्स हो वैसी उसकी माता हो वैसा उसका पिता हो पूरी सिचुएशन पूरे सर्कमस्टेंसेज वैसे कंड हो जाएंगे कि किनिंग स्टार्ट रनिंग अगेन उस तीस मीटर तक हाँ ऐसा नहीं होगा पैदा होने से जैसी हो संभाला तीस मीटर तक दौड़ना शुरू करके वहां तक पहुंच गया नहीं वो हो सकता है बीस दी, साल की आयु के बात करे तीस साल की आयु के बात करें तब तक वो नॉर्मल अपने कर्म पुराने भोगता रहे नए बनाता रहे लेकिन वो जो वो उसने क्रिया क्रियामान कर्म करके अपने संचित कर संचित टैंक में डाले थे निश्चित अवस्था में उस जन्म के उसके कुछ जो संचित में गए थे वो प्रारब्ध के रूप में वो अगले जन्म में जरूर लेके जाएगा जो उसको थर्टी मीटर तक दौड़ने को सहायक दे सहायता देगा उसके ऊपर वो थर्टी मीटर तक जाके वापस गिर जाता है पतन हो जाता है या वहीं तक स्टेग्नेंट हो जाता है या ऊपर जाता है वो उसके फ्रीविल उसके आप उसके ऊपर है दिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वो जो थर्टी मीटर तक दौड़ के वो जो उसने पुण्य कर्म और वो जो कमाए वो जो सतोगुण उसने कमाया वो प्रधानता से अगले जन्म में उसके साथ जाता है कहीं ना कहीं लाइफ में वो उसका निकल के आएगा भार इसलिए बहुत लोग कहते हैं अरे ये 20 साल की एज तक मैं इसको जानता था मेरा दोस्त था कॉलेज में ये तो बहुत व्यभिचारी था और ऐसा था और वैसा था अचानक से इतना सेंटली कैरेक्टर कैसे बन गया इसका वही वो, वो कर्म एक लेवल बस अपने बाहर आने का इंतजार कर रहे थे हाँ तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हम ये जो ग्रुप है अपना जो आपके साथ हम जुड़े हुए हैं हम भी तो 2 साल पहले तक अपना खुद का जिंदगी जी रहे थे लास्ट से से और हम अपना जर्नी स्टार्ट किया जितने भी हो जितने भी पर उसमें से भी ऐसा क्यों है की आप तीस पैंतीस लोग ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं उस ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में जिसमें लिंक देता हूँ उसमें थर्टीन हंड्रेड और क्या है कि बाकी 1200 लोग नहीं जुड़ते साढ़े बारह आप लोग जुड़ रहे हैं दैट इज द डिफरेंस और उसका आंसर आपके पास भी नहीं है पर आपकी सोल को जानती है आप जो खास कर खास से जो इंडिया से हैं क्या है कि आप वो साढ़े चार बजे उठते हैं उस नींद को पीछे छोड़ के तो वो सतोगुण है आपके जो आपको वहां तक लेके आता है ठीक है तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था आप लोग जो हो चाहे कोई भी आपकी जर्नी हो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट से आप आगे हो जर्नी में अपने अंदर वो सुपीरियर भाव नहीं आना क्योंकि हर जर्नी हर किसी की एक इंडिपेंडेंट ऑफी अदर है मगर अपने आप को कम मत आंको डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ ठीक है तो ये एक इवोल्यूशन लास्ट क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन के बारे में देखो ये गलत समझाया जाता है हमें कि इवोल्यूशन जैसे बाइबल में लिखा है कि फर्स्ट डे भगवान ने ये सब बनाया सेकंड डे फिर भगवान ने ये सब बनाया थर्ड डे भगवान ने ये सब बनाया जो जो ऊपर से से सृष्टि होती है सृष्टि का जो क्रिएशन हो रहा है ब्रह्म लोक से वो पेड़ पौधों का भी हो रहा है रेंगने वाले प्राणियों का भी हो रहा है पशुओं का पक्षियों का सब योनियों का हो रहा है और मानव शरीर का भी हो रहा है बहुत सारे मानव शरीर बहुत सारे मानव शरीर ऐसे हैं जो डायरेक्टली मानव के रूप में आते हैं और वो मानव के रूप में ही हमेशा रहते हैं अगर वो वैसे गंदे कर्म नहीं करते और मोक्ष का रास्ता उनका तय होता है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बुरे कर्म करे और वो दूसरी योनियों में चले गए हाँ जो वैसे पेड़ पौधे और सृष्टि की उत्पत्ति के समय जो कीड़े और इन सब चीजों में जो पैदा हुए थे और अभी भी सृष्टि तो बन रही है तो अभी भी नई नई चीजें नए नए सोल्स और नई नई चीजें आती रहती हैं उनका इवोल्यूशन चलता है उन पेड़ पौधों का उन कीड़ों का उन पशु पक्षियों का वो धीरे 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 अपने योनियों में जब उनका इवोल्वमेंट होता है वो एक बार मानव शरीर के उसमें भी आते हैं मगर हम सारे जब ऊपर से हम नीचे आए हमारे जब पतन हुआ जब हम भोगने के लिए तो आए हम आए थे केवल भोगने के लिए हम चाहते अगर हम अज्ञानता में ना डूबते इस माया को अपना ना समझते हम ऊपर से अपरा प्रकृति से परा प्रकृति से अपरा प्रकृति में आए ब्रह्म लोक से नीचे आके हम मान लो तप लोक तक आए हम अगर वहां पे भी अज्ञानता से हमारी चित्त की उत्पत्ति ना होती हम वहीं से मोक्ष लेके वापिस चले जाते ऊपर लेकिन मैंने क्या बोला था तप लोग में भी चाहे बहुत ऊपर के योगी हो वहां पे तप लोग में भी अहंकार आ जाता है वहां पे ईगो कर्म नहीं ईगो ईगो जैसे ही आई चित्त बनाती है वो इसलिए मैंने कहा था एक मैसेज दिया था मैंने बहुत पहले ग्रुप में कि जो लास्ट स्टेज होती है एक योगी की जर्नी में वो होती है डिसोल्यूजन ऑफ द ईगो चित टूटा अहंकार खत्म हुआ ईगो है वो लास्ट तक रहेगा आपके साथ ये श्री युक्तेश्वर भी परम चौगा को उन्होंने एक बार समझाया था इसके बारे में लेक्चर दिया था कि तुम कहीं भी कॉजल वर्ल्ड तक चले जाओ लेकिन वो ईगो है जो लास्ट में जाएगी और वो ईगो लास्ट में जाएगी इसलिए वो चित्त लास्ट में जाएगा आपका इसलिए वो अहंकार बना और वो चित्त आपका बन गया उसके बाद आपका पता शुरू ईगो क्रिएट्स द चित्त नॉट कर्मा नो 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 कर्मा इज अ साइड प्रोडक्ट ईगो क्रिएट्स एवरीथिंग ईगो क्रिएट्स द चित्त फिर चित्त बन गया अभी आप कर्म करोगे तो वो कर्म चित्त आ, में बैठेगा और वो ईगो क्या है मैं एक लेवल और डीप में आपको बताता हूं ईगो क्या है वो ईगो है आई मैं मैं। और वो मैं कब निकलता है अंदर से जब आप वो भूल जाते हो कि आप उससे जुड़े हुए हो सोर्स से उसका जब आप उससे, जब उससे अपना प्रकृति में घुस के ब्रह्मलोक लोग से आए तभी भी आपको पता था आप उससे जुड़े हुए हो जैसे आप तप लोग उससे नीचे आए अब आप उसको भूल गए अलग सोचते हो अलग सोच लेते हो आए आ गया जैसी वो आए आ गया पतनि जब आ जाता है ये है अब वो क्यों होता है क्यों पतन होता है ये क्यों गेम क्यों चल रहा है अब वो हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है बट दिस इज हाउ दिस क्रिएशन इज गोइंग ऑन और ये फिर डिसोल्यूशन होगा इसका फिर डिसोल्यूशन के बाद फिर से क्रिएशन होगा फिर से डिसोल्यूशन होगा ये चलता रहेगा अब वो आपके ऊपर है कि आपको महाप्रलय का इंतजार करना है कि जब सारी भगदड़ मचे उसके बाद आप स्टैम्पीड में जाओगे या आपको पहले निकल के जाना है एक स्मार्ट इंसान की तरफ तो वो आपके ऊपर है क्योंकि दिस वर्ल्ड हेज नथिंग टू ऑफर यू मैक्सिमम क्या दे सकता है ये दुनिया आपको मैक्सिमम क्या दे सकती है आप मस्क बन सकते हो आप बिल गेट्स बन सकते हो आप मुकेश अंबानी बन सकते हो स्टिल जो इस यूनिवर्स को आपको रिचे दे दे सकती है वो ये सब है आपको तब भी स्ट्रेस होगा तब भी आपको दुख होगा तब भी आपकी बॉडी आपको बीटरे करेगी तब भी आपकी जब मृत्यु होगी वही कॉन्ट्रेक्शन होगा वही श्वास आपके खींचेंगे वही सब प्रॉब्लम आएगी आपको वही सब कष्ट पीड़ा सहनी पड़ेगी वही अगले जन्म में पैदा होने से पहले नौ महीने मलमूत्र में रहना पड़ेगा आपको वही सुख दुख सब कुछ सहना पड़ेगा तो दिस इज द बेस्ट दैट दिस वर्ल्ड कैन ऑफर यू इससे ऊपर कुछ है नहीं भूलो की अपनी लिमिटेशन है तो अगर आपको चाहिए सोच अगर आप चाहते हो कि आप एक फिजिकल बॉडी नहीं हो आप इसके अंदर एक आत्मा हो और एंड यू डिजर्व मोर आपका हक है इससे ऊपर का पाने का तो फिर आपको उस मार्ग में जाना पड़ेगा कल नहीं आज आज नहीं अब काल करे सो आज कर आज करे सो पल में पल में पढ़ ले करेगो, कब? ये ने था। तो ये आपको करना पड़ेगा करना तो पड़ेगा ये जो है आपको की तरह, आपको ऐसे थपेड़े मारेंगे इधर से उधर इधर से उधर आप भागते चले जाओगे और आप इस प्रोजेक्टर की जो जो प्रोजेक्टर है स्लाइड है जो प्रोजेक्टर के नीचे जिसका प्रोजेक्शन भी आपको इस दुनिया में दिख रहा है इस इल्यूजन को इल्यूजन दिख रहा है आप इस प्रोजेक्टर की इस स्लाइड की प्रोजेक्शन को इस दुनिया को आप रियल मानते रहोगे और आप इसमें चेंजेस करने की पूरी कोशिश करते रहोगे किसी तरीके से मेरी लाइफ सही हो जाए मेरी लाइफ अच्छी हो जाए टैक्सेशन के इश्यूज लव लाइफ के इश्यूज पर्सनल इश्यूज कॉर्पोरेट लाइफ के इश्यूज अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप अपने बच्चों से रिलेशनशिप तो आप उसको प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्शन इतना रियल दिखेगा आपको स्लाइड का दीवार पे कि आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी आप उसको मिटाने की कोशिश करोगे पर वो नहीं मिटेगा क्योंकि वो प्रोजेक्शन है दीवार पे अगर आपको मिटाना है तो आपको स्लाइड में आना पड़ेगा प्रोजेक्टर की तो नीचे रखी हुई है दैट इज कारण शरीर कौजल वर्ल्ड कौजल वर्ल्ड तक आपको जाना ही पड़ेगा और वो कौजल वर्ल्ड तक आप तभी जा सकते हैं जब आपका कंठ चक्र आपका विशुद्धि चक्र खुलता है आप चाहे योगी ना हो मतलब राजयोगी जैसे भक्ति योगी जैसे सहज योगी क्रिया योगी ये सब ना भी हो आप भक्ति योगी भी हो वो भी रास्ता वही होता है सबका भक्ति योगी भी उतना सरेंडर कर देता है अपने आपको जैसे मीराबाई ने किया था कृष्ण के उसमें वो अपने शरीर का भान नहीं रहता उनको पर बल्कि मीराबाई की कुछ सहेलियां ऐसी थी जो सेविका बनी हुई थी कि वो जब उस आराधना में रहती थी कि उनको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता था तो सेव, सेविकाएं बन के रहती थी, थी उनकी सहेलियां जस्ट ये जॉब होती थी उनकी कि इनके शरीर की देखभाल करें उनको प्रॉपर खाना देते रहे ये करते रहे वो करते रहे उनको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता था तो जब शरीर का भान नहीं है मतलब आसमान मतलब आपके प्राण रुके हुए हैं प्राण रुके हुए हैं तो मतलब आप समाधि में हो समाधि में हो मतलब आपका कंठच चक्र खुल चुका है और भक्ति योगी जो होते हैं भक्ति योगी का कंठ चक्र खुलना बाकी योग मार्गों से सबसे आसान होता है बाकी योग मार्ग में तो आप आप अवेयरनेस से अपना वो खोल रहे हैं इंटेंशनली भक्ति मार्ग में क्या है आपने इतना सरेंडर कर दिया भक्ति मार्ग इस मतलब इंफनेट लव प्रेम है वो कि हम जो मेडिटेशन करते हैं हम तो एक आर्मी ऑफिसर की तरह डिसिप्लिन कर रहे हैं अपनी बॉडी को डंडे से भक्ति योगी जो है वो डंडे से नहीं कर रहा वो इतने प्यार के उसमें सुनामी बह रही है उसके अंदर कि वो कब उसका कंठचक्र खुल गया कब वो समाधि में चला जाता उसको पता ही नहीं चलता लेकिन वैसे मैंने पहले बताया भक्ति योगी हर कोई नहीं बन सकता हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता क्रिकेट के प्लेयर्स तो बहुत आए हैं हर कोई मेसी रोनाल्डो नहीं बन सकते फुटबॉल के प्लेयर्स तो अनगिनत है तो अगर आप वो नहीं है तो बनने की कोशिश मत करिए आप अपने हार्ड वर्क से भी वहां तक जा सकते हैं जो बाकी लोग करते हैं जो मैं भी आपको सिखाता हूँ ठीक है अगर आप में कोई भक्ति योगी है तो उसको तो फिर कुछ करना ही नहीं ठीक है? सर, सवाल पूछ सकते हो आपको आज जो इतना आपने बताया इतने गहराई से इतने बारीकी से आपने बताया द सोर्स ऑफ दिस नॉलेज कैसे मतलब गीता से कि खुद का एक्सपीरियंस बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी चीजें हैं गीता है बहुत सारी बुक्स हैं बहुत सारे बचपन से या पुराने जन्मों का आप मान लो पुराने जन्मों का भी कुछ ज्ञान होता है मगर जब तक वो आप खुद नहीं जान जाते अपने अंदर जैसे मैंने हमेशा बताया बुकिश नॉलेज नहीं बुकिश नॉलेज विल नॉट टेक यू फार एम hmm. सॉरी बुकिश नॉलेज विल नॉट गिव यू द कॉन्फिडेंस टू टेक एनी वन एंड एवरी वन क्वेश्चन एंड आंसर्स कभी भी मैंने कुछ होते होंगे कुछ और यूट्यूबर्स जो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन खुद ही लेके आते हैं खुद ही उसका आंसर्स दे देते हैं कुछ भी होता होगा ऐसे मैंने कभी ऐसा नहीं किया कभी मैंने जूम सेशन हुए हैं सीमेंट रिटेंशन पे हुआ है ब्रह्मचर्य पे हुआ है इकोनॉमिक्स पे हुआ है पॉलिटिक्स पे हुआ है इतने सारे हुए हैं इट्स ओपन फॉर एवरी आप कोई क्वेश्चन जो आपको पूछना है पूछो उत्तम जी भी इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कभी डर नहीं लगा लेकिन क्यों बिकॉज आता होगा तो आता होगा नहीं आता होगा नहीं आता होगा, नहीं, आता होगा लेकिन अंदर से आपको वो चीज़ पता है इट गिव्स द कॉन्फिडेंस बुकिश नॉलेज होती तो आप कभी क्वेश्चन आंसर नहीं अं लोगे जैसे कुछ लीडर्स होते हैं जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते इस टाइप से राइट right? mm -hmm. तो ये चीज होती है तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दो थिंग्स क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अपने अंदर नहीं जाओगे मतलब कृष्ण ने क्या बोला है कर्म योग राजयोग भक्ति योग और ज्ञान योग इन सब में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान योग है वो ज्ञान योग अपने आप ज्ञान अपने आप आपको वहां तक लेके नहीं जाएगा आपने गीता पढ़ ली आपको मोक्ष नहीं मिल गया गीता पढ़ के समझ के लेकिन वो गीता पढ़ी वो स्क्रिप्चर्स पढ़े अब उसने आपको ये ज्ञान दिया कि अंदर क्यों घुसना है अंतर्मुखी क्यों होना है प्राण पे क्यों कंट्रोल पाना है मन पे क्यों कंट्रोल पाना है वाय हाउ किस प्रक्रिया से वाय वेन तो ये सारे ज्ञान योग ने अब आपको समझाया क्यों कैसे क्यों जरूरी है अब आप बाकी योग में जाओगे क्योंकि वो ज्ञान आपको मिल गया तो ज्ञान योग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मगर वो अपने आप में सक्षम नहीं है आपको वहां तक ले जाने में तो ज्ञान सबसे पहले लेना बहुत आवश्यक है उसके बाद फिर आप जब अंदर गए आपने वो सारी नॉलेज अपने अंदर पाई एक लेवल तक क्योंकि मैं भी अब उस लेवल तक तो नहीं हूं कि मुझे सब कुछ पता है मगर जिस लेवल तक हूं उस लेवल तक की आई कैन गारंटी कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है क्योंकि एक एक बार चीज ट्राई करके सब कुछ देख रखा है मैंने एक-एक दो-दो बार सब कुछ ट्राई करके देख रखा जो जो नहीं भी करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल आगे चक्र जब खुलता है आपको दूसरी जगहें दिखती हैं। मतलब आप कुछ भी देख, जैसे YouTube की होती है आप YouTube के एक वीडियो की तरह सब कुछ देख सकते हैं कहीं भी जाके मतलब कोई विस्पर में बात कर रहा हो, विस्पर भी आपको इतनी अच्छे से सुनाई देगी क्योंकि आप सूक्ष्म जगत में सुन रहे हैं उस चीज को मगर उससे क्या होता है जैसे आपने यूट्यूब की कोई स्ट्रीमिंग वीडियो देखा क्या खर्च हुआ उसमें उसमें आपका इंटरनेट डेटा खर्च हुआ आपने कहीं कुछ देखा कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं ब्रह्मांड में तो आपका योग बल उसमें इतना खर्च होता है इतना खर्च होता है जिसकी भरपाई करना बहुत समय लगता है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ जिज्ञासा की वजह से आपने उस चीज को देखा और एक दो बार करना सही भी है मगर उसके बाद नहीं क्योंकि उसके बाद जब आप उसकी भरपाई आपको साधना में करनी होती है जो उसका अवरोध आपको पैदा होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है और वो प्रकृति के विरुद्ध भी है एक तरीके से मतलब हाउ कैन यू सी समन विदाउट देम नोइंग अबाउट दैट यू आर दैट समन इज वॉचिंग देम ये प्रकृति के विरुद्ध है प्राइवेसी के विरुद्ध है तो ये सही भी नहीं होता एथिकली भी बट यू कैन डू दैट और बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अंदर कि ऐसा होता है ऐसा होता है एक मेरा फ्रेंड था भी, दो साल पहले ही मेरे फ्रेंड के फादर की डेथ हुई उन्होंने कहा कि रजत इफ यू कैन एक्सेस प्लीज पता उन्होंने ऐसा क्यों किया उन्होंने सुइसाइड क्यों किया मैंने बहुत पहले एक दो बार ऐसा किया है पर मैंने उस चीज को रेजिस्ट किया कि नहीं मैंने उसको ज्ञान दिया मैंने कहा ऐसा ऐसा होता है अब आप उन, उनके बारे में कम सोचो कि मोह माया बाहर निकलो तो अपने आप को उस चीज में लिमिट एक बार करके देख लिया ट्राई फिर आप उस चीज को लिमिट कर उस चीज से निकल जाओ डोंट गेट इन्वॉल्व इन ऑल दैट राइट लेकिन ये नहीं है कि ये चीज करनी ही नहीं अगर अंदर से जिज्ञासा हो रही है एक बार करके देख लो मगर डोंट गेट ड्रैग दैट पिट वो सिद्धियां जैसे मैंने बोला उसके चक्कर में नहीं पड़ना मैंने ट्राई करके देख रखा है आधी बार जो जो जितना मेरी औकात है जितनी सारी चीजें नहीं जो जो मुझे पता है वो काम करता है बहुत अच्छे से काम करता है बहुत पोटेंटली काम करता है अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग अब मैं था फॉर एग्जांपल मैं सब आप, आप लोगों के साथ बिल्कुल एक फ्रैंक बात करता हूँ कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं मैं कॉलेज में था स्कूल कॉलेज मेरे जो रूम पार्टनर था ही ही टू टू ड्रिंक ड्रिंक स्मोक था नहीं छूनी भी नहीं है उस चीज को छूना भी नहीं है हालांकि उस टाइम मैं इतना आगे नहीं बढ़ा हुआ था अध्यात्म में लेकिन उस टाइम भी मैं इस मार्ग में था मैंने कहा छूना भी नहीं है उस चीज को लेकिन जब एक मेरी अवस्था हुई मैंने कहा एक ट्राई तो करना है कि ऐसा क्या है कि लोग एक नशे में इतना पागल हो जाते हैं सब कुछ छोड़ के तो ट्राई किया कुछ ऐसा खा के भी देखा मैंने क्योंकि जहां मैं रहता हूं यहाँ पे सारी चीजें होती है कुछ ऐसा खाके भी देखा कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इसको क्या कहते हैं इसको शोध कहते हैं शायद एक्सपेरिमेंट कि क्या होता है वास्तव में कि लोग कहते हैं कि ये वाला मांस फोर लेग एनिमल का जो होता है बहुत ज्यादा ग्रॉस होता है जैसे जैसे मैंने आपको कहा था ना चिकन से भी ज्यादा ग्रॉस ज़्यादा तमस उत्पन्न होती है जैसे बीफ को खाने से उससे भी ज्यादा तमस उत्पन्न होती है पोर्क को खाने से तो मैंने एक बार ये ट्राई करके देखा और वास्तव में जो ध्यान में अवरोध उत्पन्न हुआ तमोगुण की उत्पत्ति से कुछ दिन तक आई कैन आई कुड नॉट मेडिटेट आई कुड नॉट रिकवर इतना तमोगुण हो गया तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके हर कोई देख सकता है मगर उसमें घुस नहीं जाना वो इंटॉक्सिकेशन वाली चीज वो मैंने देखा मैंने कहा अच्छा ये है ये होता है इस चीज से इसमें लोग पागल हैं मतलब इस चीज को पाने के लिए लोगों ने वो चीज छोड़ रखी है द नेक्टार ऑफ लाइफ वो दुख होता है मतलब आपको जल्दी से कमाना है आपने दस हजार की कॉल सेंटर की नौकरी जॉइन कर ली बारहवीं के बाद ट्वेल्थ के बाद जस्ट आप बड़े खुश हैं दस हजार रुपये आ रहे हैं मेरे को बीस हजार रुपये मिल रहे हैं मेरे को बट आप में वो काबिलियत थी थोड़ा सा और रुकते थोड़ी सी हायर स्टडीज करते मास्टर्स पीएचडी करते आपको कितने लाखों भी मिल सकते थे मगर आप वहां तक तो रुके नहीं ऐसे ही ये जो हमारी फिजिकल सेंसेस की जो ए, लस्ट और ये सारी फीलिंग होती है जिसमें हम वो पांच सेकेंड दस सेकेंड के सुख के लिए सब कुछ अपना कैरेक्टर गिरा देते हैं इट्स लाइक शराब जो मैं आपको लोगों को बोलता हूँ अगले दिन सिर दर्द भी होता है वो देसी शराब पी के और वो आप उस चैनल उस फ्लूड को आप चैनलाइज कर सकते थे ट्रांसम्यूट कर सकते थे ओजस में लाइक सेम मास्टर बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी वो ऊपर जाके आपको सेम सचिद आनंद वाला सेम वो ऑर्गेजम वाला प्लेस मिलता और वो पांच सेकंड दस सेकंड के लिए नहीं होता वो एक ऑर्गन में लिमिटेड नहीं होता वो ट्वेंटी फोर आपको मिलता वो हर सेल में आप फील करते हैं उसको खाते हुए सोते हुए जागते हुए उससे आपकी बॉडी को कोई डैमेज भी नहीं होता इनफैक्ट आपकी बॉडी उससे और ज्यादा दिव्य बनती मगर आप वहां तक नहीं गए क्यों यू कुड नॉट वेट आपने शॉर्टकट अपनाया और आप लगे हुए उसमें लगे हुए लगे हुए सो ऑल दीज थिंग्स मैटर सब चीजें जुड़ी हैं एक तरीके से ब्रह्मचर्य आप नहीं करोगे कहीं ना कहीं वो निकलेगा आपका प्रॉब्लम उसका अपने आपको पागल मत बनाओ आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो मगर डाइट में आप वो सारी चीजें लाल मिर्च और वो सारी चीजें गार्लिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा उससे तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हो डाइट भी बहुत अच्छी है मगर आप देखते हमेशा एक्शन थ्रिलर्स या मर्डर स्टोरीज़ या वो सब देखते हो वो आपके चित्त में वो सारी चीजें प्रभाव डाल रही हैं, जिससे आपका चित्त साफ साफ नहीं हो पाएगा हम सारे पहाड़ों में रहने वाले योगी नहीं है वंस इन अ वाइल एवरीथिंग इज फाइन बट डोंट गेट एडिक्टेड टू इट Senses को चारा मत दो कि जिससे उसको वो खाने की आदत पड़ जाए जस्ट रिफ्रेशमेंट का वो है ये है वो है वो कर सकते हो That's it. मैं आपको कभी उसमें बांधता नहीं हूं जैसे इस्कॉन जैसे इस्कॉन में होता है कि नहीं इतने बजे उठना है तो उठना है सुबह इतने रात को सोना है तो सोना है नहीं बोलना तो नहीं बोलना नहीं नहीं वो नहीं वो आप दूसरे की सेंसिस को अननेचुरली दबा रहे हो वो रिजिस्ट करेगी तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी डू इट एट योर ओन एट योर ओन पेस कभी कभार एवरीथिंग इज फाइन अब जैसे मैं इंडिया गया था राइट आफ्टर फाइव इयर्स आई वेंट टू इंडिया लास्ट इट दिसंबर अब उस टाइम मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स मेरे स्कूल के फ्रेंड्स दे वर मीटिंग में अब मैं तो इस लाइन में हूं पर वो सब तो नहीं है उनके लिए तो ये कालाक्षर भैंस बराबर अब मैं उनको ये सारी चीजें समझाने भी लग जाऊं वो बोलेगा भाई अगली बार ना आइयो हमसे मिलने तो अब वो मुझसे मिले वो बोल रहे हैं रजत मीटिंग आफ्टर आफ्टर सो सो लॉन्ग लॉन्ग तो लेट्स लेट्स हैव हैव पार्टी अब मैं पार्टी में बैठा हुआ था आई वॉज है मुझे पता था इसे क्या प्रॉब्लम होने वाली है अवरोध उत्पन्न होगा थोड़ा सा बट आई एट दैट लेवल कि वो शांत हो सकता है बट इसलिए मैंने क्या बोला अपने आप को किसी बॉक्स में बांधो मत की ये चीज समझ रहे हो मेरी बोलने वाली मेरी मेरी बात बी फ्लेक्सीबल इन लाइफ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अगर एक वेजिटेरियन इंसान बोलता है मैं मर जाऊंगा पर मैं वेजिटेरियन खाना नहीं खाऊंगा मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा आपको ज्ञान ही नहीं है आप क्या बोल रहे हो गीता क्या बताती है धर्म की रक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है धर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग धर्म अब वो धर्म क्या है वो धर्म सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है अगर आप इस अवस्था इस जगह में मान लो एक सर्कमस्टेंस में है जहां वेजिटेरियन भी खा सकते हो नॉन वेजिटेरियन भी खा सकते हो वहां अगर आपने नॉन वेजिटेरियन चुना वो मान सकता हूं मैं गलत है अब आप एक जंगल में खो गए फंस गए अब वहां पर खाने को कुछ वेजिटेरियन नहीं है जानवर को आप मार के खा सकते हो फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन दे रहा हूं जस्ट आपको नॉलेज के लिए अब स्क्रिप्चर्स के हिसाब से अगर आप बोलोगे नहीं अब तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा मैं ऐसे ही मर जाऊंगा क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूं वो आप धर, आप अज्ञानी हो अब धर्म की परिभाषा अब चेंज हो गई में इस में जब जब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों अवेलेबल था वेजिटेरियन खाना आपका धर्म था अब इस सिचुएशन में आपका धर्म है वेजिटेरियन से ऊपर का प्रायोरिटी लेने वाला धर्म है अपनी जीवन की रक्षा करना टू सेव लाइफ क्योंकि वो शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा तो अब आप अगर वो नॉनवेज खाओगे भी किसी जानवर को मार के खाओगे भी वो आपका बुरा कर्म नहीं बनेगा आपने किसी को ऐसे ही मार दिया मर्डर कर दिया वो आपका बुरा कर्म बन गया क्योंकि तो आपने अधर्म किया मगर वो किसी को मारने वाला था किसी अनजान को और आपके पास या आपको ही मारने वाला था फॉर एग्जाम्पल आपके पास उस टाइम कुछ नहीं था आप निहत्ते थे कोई हेल्प नहीं थी कुछ नहीं थी नाउ टू सेव सेल्फ एट लास्ट जो लास्ट एक ऑप्शन था लास्ट रिजॉर्ट वो आपका पूरा कर्म नहीं बनेगा धर्म so की डेफिनेशन चेंज होती है लोग धर्म की डेफिनेशन एक हार्ड कोडेड अपने दिमाग में डाल देते हैं बस ये नहीं, 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 नहीं ज्ञान है यही ज्ञान बताता है कि किस सिचुएशन में कौन सा धर्म प्रधानता लेता है उसको आपको फॉलो करना है तो ये चीज है राइट सो डोंट पुट योर सेल्फ इन अ बॉक्स फ्लेक्सिबल रखो अपने आपको लाइफ में एवरीथिंग इज ओके वंस इन अ वाइल वंस इन अ ब्लू मून या वंस इन योर लाइफ टाइम की इसको ट्राई करके देखना चाहिए वंस इन टाइम बस उसके बाद नहीं डोंट मेक योर सेंसेस इतना नहीं कि योर सेंसेस नहीं और अगर किसी को लगता है कि उनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है कि वो एक बार भी ट्राई करेंगे वो फिर उसी दिशा में चले जाएंगे तो फिर आप मत करिए बिकॉज हर किसी को पता होता है उसकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है कितनी नहीं है सही है तो अब उत्तम जी लास्ट क्वेश्चन है आपका

मेडिटेशन सेशन कि उस बहाने वीडियो भी बन जाते हैं सिखाना, या, मैं एक, सिखाना लाइव बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फिर दस लोग अलग अलग तरीके से करेंगे कोई सही तरीके से करेगा गलत तरीके से करेगा उनको फिर live सही तरीके से पताना ना पताना देट विल बी हॉच पॉच तो मैं एक सीरीज बनाऊंगा इट विल बी अ कंप्लीटली एन ऑर्गेनाइज सीरीज जैसे मेरी पहले मेडिटेशन सीरीज थी बारह पार्ट की इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइज सीरीज होगी उसमें मैं पूरा क्रिया के बारे में बताऊंगा लेकिन इतना मैं बता दूं जितना जो मैं आपको बताता हूं क्रिया क्रिया फिर से मैं बता दूं योग इज कंट्रोलिंग योर ब्रेथ और उससे मन को कंट्रोल करना मैं आपको बताता हूं कंट्रोलिंग योर मन उससे ब्रेथ को कंट्रोल करना चीज एक ही है, है दोनों करेंगे और ज्यादा फायदा होगा मगर जो आप कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल ठीक है पर मगर मन और प्राण के बीच में हमेशा मैं बोल दूं मन और प्राण जुड़े हुए एक दूसरे से मन को रोकोगे प्राण रुकेगा प्राण को रोके मन, मन मन, रुकेगा पर उसके बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लिंक जो कोई नहीं बताता जो मैंने पहले भी बताया है वो है ब्रह्मचर्य ओजस ब्रम्चर्य। अगर वो सेक्सुअल फ्लूड ही आपने पूरा बॉडी से निकाल रखा है मतलब आपकी बॉडी में इंजन ऑयल ही नहीं है पे, पेट्रोल आप डीजल कितना भी डाल दें अपना टैंक फुल कर दें पर वो इंजन ऑयल नहीं है आपका इंजन गर्म हो जाएगा कुछ नहीं होगा गाड़ी नहीं चलेगी ज द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट ग्रीसिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट ओजस इज दर्ट दट लैम्प ऑइन लैम्प इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है सर क्रिया योग में क्या दीक्षा लेना पड़ता है कि ऐसे ही आप इंस्ट्रक्शन दे दिया जैसे अभी करते हैं फिर हम फॉलो करके कर सकते हैं देखो क्रिया योग में भी लेवल्स होते हैं कि ये ऐसी क्रिया होती है ये इतनी डीप क्रिया होती है ये ऐसी क्रिया होती है मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ मगर मैं फिर भी बोलूंगा वो केवल क्रिया योग के साथ नहीं है वो हर योग मार्ग के साथ है भक्ति योग के अलावा भक्ति योग में तो आपका कोई इष्ट ही है जैसे कृष्ण ही है आप मोक्ष पा सकते हैं उससे मगर बाकी में आपको गुरु की आवश्यकता होगी क्योंकि ये रास्ता ऐसा है सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर में कि आप जब कहीं अंधेरे में जाते हैं कहीं सुनसान जगह अंधेरे में जाते हैं जहाँ पहले कभी नहीं गए आप हमेशा कहते हैं ना गाइड चाहिए मुझे जिसने वो रास्ता देखा हो जो आपको सेफ कर सके एक नई जगह पे तो वही होता है वो गाइड की तरह आपका गुरु होता है वरना कभी आपका श्वास या कभी आपका कुछ उल्टी सीधी डायरेक्शन में उल्टी सीधी जगह पे चला जाएगा वो प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए गुरु हमेशा होना चाहिए और फिजिक जो लोग इस जन्म में पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार इस जन्म में इसका मतलब उन्होंने पहले जन्मों में साधना नहीं करी हुई उन लोगों को फिजिकल गुरु बहुत आवश्यक है फिजिकल बॉडी में इस भौतिक शरीर में गुरु होना बहुत आवश्यक है क्योंकि आप सूक्ष्म जगत तक ही जाना आपका मुश्किल हो जाएगा वरना मगर जो लोग जिन्होंने पहले जन्मों में एक हद तक साधना करी हुई है मतलब सूक्ष्म मिनिमम सूक्ष्म जगत तक उनकी एक्सेस हो गई थी अब वो जब ध्यान करेंगे तो वहां तक तो उनकी एक्सेस हो जाएगी क्योंकि वहां तक उन्होंने पहले से कर लिया है अपना काम तो उसके बाद जब सूक्ष्म जगत में जाते हैं उनका गुरु या जो भी होगा जिसमें आस्था होगी उनको ऊपर खींच लेता है तो इसलिए जिन्होंने पहले साधना करके मिनिमम सूक्ष्म जगत में थोड़ी सी भी अगर उनकी एक्सेस होगी उनका गुरु चाहे भौतिक जगत में ना भी हो वो चलेगा जैसे स्वामी शिवानंदा है वो अपने शरीर में नहीं है मगर जो पहली बार ट्राई कर रहा है ही शुड अ गुरु इन हिस्स फिजिकल बॉडी ठीक है लास्ट क्वेश्चन लूंगा इसके बाद और कोई नहीं हरप्रीत जी प्लीज पूछिए हाय सर रजत जी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इसमें जूम में एंड मुझे वैसे मैं आपकी हमेशा वीडियोस सुनती आई हूँ एक साल से पूरी लगातार जितना भी आपने यूट्यूब में डाले हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और मैं तब से ही एक साल हो गया है मैं अपनी मेडिटेशन की जर्नी रखी है रेगुलर मैं करती हूँ तो मैं आपका बहुत बहुत मैं थैंक्स बोलना चाह रही थी कि इतना कुछ आपने आज बहुत डीप नॉलेज दी है जो बिल्कुल मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इन सब चीजों की एंड मुझे बहुत अच्छा लगा एंड अब मैं अपनी जर्नी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखूंगी मैं बस आपसे बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ थैंक यू सो मच उत्तम जी कुछ सीखो आप भी कभी कभी क्वेश्चन के अलावा कुछ रिमार्क पास कर सकते हो पर आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं हमेशा थैंक यू थैंक यू सो मच वैसे मैं बता सकता हूँ सर अभी बोलो <laughs> सर मतलब मैं ये बोल रहा हूँ पहले मैंने बोला था ना सर कि मैं पहले कुछ नहीं था सर फिर बाद में जब सर आप आए ना सर लाइफ चेंज हो गई मतलब पूरी मतलब पहले कुछ अलग दिशा में था और फिर मतलब पूरी चेंज हो गई सर टर्न ले लिया पूरा और सर जब आप मतलब, मतलब, मतलब मेरी लाइफ में आए सर तब उसके पहले मतलब मैं ऐसे, ऐसे किसी को ढूंढ ही रहा था जो मुझे गाइड दे सर अचानक आपका वीडियो आ गया मतलब सर वो आशीष सर पुनिया थे उनके साथ आपने सर एक सेशन लिया पॉडकास्ट लिया था एक मिनट रुक तो कल्पना जी ऐसी मतलब उनके साथ सर मतलब आपने सेशन लिया था तो फिर मैं तो जुड़ा सर आपसे और उस दिन इतना इंस्पायर हो गया सर उसी दिन सब कुछ छोड़ दिया सर मैंने मतलब जैसा कि मतलब गंदी आदत थी वो सब कुछ छोड़ दिया बट अभी भी कोई बार दिक्कत ये होती है बट सर मैं उसको रजिस्ट कर देता हूँ मतलब कोई दिक्कत अभी नहीं आती सर परसों ही पूछा था मैंने आपको कि ओम जाप करना है तो सर आपने बहुत दिन बाद रिप्लाई दिया था तो मतलब वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ मतलब लाइफ चेंज हो गई है मतलब पहले जितनी दिक्कत नहीं आ सर अभी बैलेंस रख रहा हूँ लाइफ में मतलब पहले सुख दुख बहुत सुख हो मतलब कोई भी सिचुएशन में सर हम बहुत खुश हो जाते थे और ऐसी कोई सिचुएशन आती थी बहुत दुखी हो जाते बट अभी मजा आता है बैलेंस हो जाता है लाइफ चल रही है 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 बढ़िया बढ़िया कोई भी भी अच्छा खाना बनता है, है। तो ठीक गुड बैलेंस रहता है। और ये बताओ जो लास्ट ईयर आपके फादर की जो इस चीज को लेके जो जो सोचते थे और उसके बाद जब मैंने उनसे बात करी अभी क्या है क्या डिफरेंस है उस टाइम में और अभी में दोनों बताओ अभी सर पूरा पहले पेले का बताओ पहले और अब पहले का भी बताओ फिर अब बताओ पहले सर में मतलब आपका वीडियो देखा ना सर मैंने तो पापा बोले क्या सब चीजें कर रहा है ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए पापा यो करते बट उनको लगा कि हिमालय चला गया तो अब फल जाऊंगा तो फिर मैंने बोला पापा ये सब मुझे करने दो और फिर स्लोली स्लोली स्लो पापा के मतलब कुछ हुआ सर तो उन्होंने बोला ठीक है कर तो मेरे से बात से बात कभी थी बिल्कुल स्टार्टिंग में पंद्रह ऑगस्ट में हुई थी मिड ऑफ ऑगस्ट में हुई थी बट फिर बोलते कौन है ये सर दे रहे है ये कुछ भी ऐसा बोल रहे थे क्या सिखा रहे कुछ भी सिखा रहे मैंने बोला आपको नहीं पता है वो हो जाएगा सब कुछ सही फिर आपने बोला हो जाएगा फिर स्लोली स्लोली कुछ ऐसा होगा ना मम्मी ने बोला करने दो ना क्या दिक्कत है इनको फिर मम्मी ने जोर से बोला तो पापा शांत हो गए अभी तो बोल रहे हैं हाँ करो और पूछते रहते क्या सर ने क्या बोला क्या कुछ और कुछ बोला ये सब पूछना ये भी पूछना तो मतलब ठीक है घट खट खट ऐसा हो इसलिए मैंने एक बार मैसेज ग्रुप में हालांकि मैं ग्रुप में किसी के पर्सनली नहीं बोलता पर मैंने आपको टैग करके अभी बोला था कि आपके जो कर्म है उसमें अवरोध कम है इस लाइफ में मतलब एडवर्स कर्मा बहुत कम है कंड्यूसिव कर्म ज्यादा है तो भी आपके फादर के वो सोच चेंज हो जाना मदर का भी सपोर्ट करना वो सब वही है वो कंड्यूसिव कर्मा मिल रहे हैं आपको टू प्रोग्रेस अगर ये किसी के नेगेटिव ऐसे कर्म होते जो कंड्यूसिव ना होते अब या उनके मदर फादर उनको सपोर्ट बहुत बिल्कुल ना करते या उनकी जॉब ऐसी होती कि सुबह से रात तक जॉब करनी है उसके बाद आओ सो जाओ कुछ ऐसा होता परिस्थितियां ऐसी होती कि वो आगे उनको टाइम नहीं मिल पाता प्रोग्रेस के लिए पर आपको वो सब चीजें मिल रही हैं इज बिकॉज़ ऑफ दोस कर्मस ठीक है सो यू हैव योरसेल्फ टू अप्रिशिएट फॉर दैट यस ओके थैंक यू सर थैंक यू ऑलराइट दिपेश जी कुछ पूछना है एवरीथिंग ओके ठीक है थैंक यू सो मच मैं इसको अपलोड करूंगा इन पार्ट्स मे बी यू कैन चेक आफ्टर दैट इज वेल ठीक है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू